everyone, my name is Herman Jangra and welcome in my YouTube channel. And friend, अगर आपने मेरा channel like and subscribe नहीं किया है तो मैं आपसे request करूँगा, please इसे like और subscribe कर लीजिए ताकि मैं जितने भी video upload करूँ आपके पास notification आता रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा video आपके लिए upload करूँ. तो friend, आज का जो हमारा topic है वो है how to calculate CFM of any of the AC unit like HU unit, CSU unit, FC unit, PAC unit and PAHU unit. तो कोई भी AC unit है friend, तो उसका जब भी हम CFM measure करते हैं तो कहाँ से measure करते हैं, उसका जो filter section होता है वहाँ से measure करते हैं. Filter section जहाँ से कोई भी AC unit है वो return air suction करता है और return और fresh air जहाँ से suction करता है तो वहाँ से हम करते हैं. तो basically क्या होता है, जो HU unit होता है उसमें 3, 4, 6 या कितने भी filter हो सकते हैं उसके size के according, और जो हमारा CSU unit होता है, जो FC unit होता है उसमें 1 या 2 हो सकते हैं. PAC unit में basically 1 filter होता है जो ऊपर की side लगा होता है. तो फ्रेंड, जिस भी एसी यूनिट का आपने सीएफएम मेजर करना है तो उसके फिल्टर सेक्शन से होता है. तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि एक एचयू का, सपोज करो हमारा एक एचयू है उसमें 4 फिल्टर है हमारे पास, फिल्टर ए बी सी एंड डी, हमने चारों फिल्टर को ए बी सी डी से डिनोट किया है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा सभी फिल्टर है सभी फिल्टर का अलग अलग क्या करना है, एयर फ्लो वेलोसिटी हमें निकालनी है. एयर फ्लो वेलोसिटी के लिए हमें क्या करेंगे, एनेमोमीटर यूज़ करेंगे फ्रेंड. तो एनेमोमीटर से सबसे पहले क्या करेंगे, हम 5 रीडिंग लेंगे उसकी, एयर फ्लो वेलोसिटी की रीडिंग लेंगे हर फिल्टर की. तो रीडिंग कहाँ से लेनी है, चारों कॉर्नर से लेनी है. जैसे मैंने फिल्टर ए का लिया है A1, A2, A3, A4 और A5, तो 5 सैंपल हम हर फिल्टर से लेंगे फ्रेंड. तो हमारे पास 4 फिल्टर है, सभी चारों के 5-5 सैंपल हम लेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी 5 एयर फ्लो वेलोसिटी की रीडिंग, सैंपल रीडिंग लेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे 5 सैंपल है उनको ऐड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे सबसे पहले, फिर उसका एवरेज निकालेंगे. जैसे हमने 5 सैंपल लिए हैं तो जो सेक्शन ए, फिल्टर ए का जो है, जैसे A1, A2, A3, A4, A5 सभी को ऐड करेंगे, फिर उसको 5 से हम डिवाइड कर दें क्योंकि हमने 5 सैम वो लिए हैं. तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, एवरेज होगा. उस एवरेज को क्या करेंगे, अब हम जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, जो हम, जो हमारा एनोमोमीटर होता है फ्रेंड, उसके ऊपर क्या है, एक सिलेक्टर स्विच होता है, उसे हमें सेलेक्ट करना होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पर. वो 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, वो आपका जो एनोमोमीटर आपके पास होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. तो जो भी आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कंसीडर करते हैं तो जो रिज़ल्ट आएगा इसका, 5 जो सैंपल रीडिंग ली थी उसके एवरेज को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है. तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, क्यूबिक पर मिनट रीडिंग होगी उस स्पेसिफिक फिल्टर की. तो ये जो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A4 जो है, इसको हमने 5 से डिवाइड किया, जो रिज़ल्ट आया उसको हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया. तो हमारे पास क्या हुआ, सेक्शन ए का, फिल्टर ए का क्यूबिक पर मिनट रीडिंग आ गया. इसी तरह हमें सभी का, सेक्शन बी, फिल्टर बी का, फिल्टर सी का, फिल्टर डी का, सभी फिल्टर का हमने कैलकुलेट करना है. उसके बाद क्या करना है फ्रेंड, जो हमारे पास होगा, जो एयर फ्लो वेलोसिटी होगा उसको, सभी फिल्टर की जो एयर फ्लो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी तो उन चारों को हमने ऐड कर देना है. ठीक है, तो चारों को ऐड करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा टोटल एयर फ्लो वेलोसिटी होगा उस एच यू का. ठीक है फ्रेंड, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पार्टिकुलर, उस एच यू के जितने भी फिल्टर है सभी का हम क्या करेंगे, अलग अलग स्क्वेयर फिट एरिया मेजर करेंगे. अलग अलग क्यों करेंगे, क्योंकि डिफरेंट फिल्टर का डिफरेंट साइज हो सकता है, इसलिए हमें अलग अलग करना चाहिए ताकि हमारी जो रीडिंग आए वो एक्यूरेट आए. तो जो रिज़ल्ट होएगा हम फिर उसको क्या करेंगे, टोटल एरिया स्क्वायर फिट निकालेंगे, सभी को ऐड कर देंगे जितने भी एरिया निकलेंगे हमारे पास. सबसे पहले फिल्टर ए का स्क्वायर फिट एरिया निकालेंगे, फिर सेक्टर, फिर फिल्टर बी का निकालेंगे, फिर फिल्टर सी का निकालेंगे, फिर फिल्टर डी का निकालेंगे, लास्ट में चारों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल स्क्वायर फिट एरिया आ जाएगा.
फाइनली क्या करेंगे, जो हमारे पास दोनों रीडिंग आई थी, टोटल एयर फ्लो वेलोसिटी और टोटल स्क्वायर फीट एरिया आएगा, उन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CFM वैल्यू आ जाएगी HU यूनिट की। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह हम CSU या FCU यूनिट का निकाल सकते हैं, PSU यूनिट का निकाल सकते हैं। ये जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फ्रेंड, ये है हमारा एनेमोमीटर। तो ये एनेमोमीटर होता है, इस पर एक सिलेक्टर स्विच होता है, उस सिलेक्टर स्विच से आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को सिलेक्ट करोगे। और ये जो हमारा है एक जो फैन होता है, इसको आप क्या करोगे, जो HU है उसके फिल्टर है उसके चारों कोनर पे चेक करोगे, और ये डिजिटल डिस्प्ले है, इसमें आपकी रीडिंग आती रहेगी कितनी एयर फ्लो वेलोसिटी वो सक कर रहा है, कितनी एयर जो है HU है वो सक कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो अभी हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज करते हैं फिल्टर ए का जो एयर फ्लो वेलोसिटी जो रीडिंग हमने ली थी, सपोज करते हैं A1 है 30, A2 हमारे पास 14 आया, A3 45 आया, A4 64 आया, A5 32 आया। तो अभी क्या करेंगे, हम सभी को ऐड करेंगे, तो टोटल हमारे पास 211 मीन्स 211 आ गई। तो फिल्टर ए का जो क्या AF वैल्यू, उसको फिर क्या करेंगे हम, जो टोटल रीडिंग जो आई उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी जो कि 42.2 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सपोज करो हमने 10 कंसीडर किया है एनेमोमीटर पे, तो क्या करेंगे, जो हमारी एवरेज वैल्यू आई थी 42.2 उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमारी फिल्टर ए की AF एयर फ्लो वेलोसिटी वैल्यू होगा जो कि क्यूबिक पर मिनट होता है। तो इसी तरह फ्रेंड हम फिल्टर बी का एफ वी वैल्यू निकालेंगे, इसी तरह हम फिल्टर सी का एफ वी वैल्यू निकालेंगे और फिल्टर डी का एफ वी वैल्यू निकालेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, जो टोटल एफ वी वैल्यू होगा सभी फिल्टर का, फिल्टर ए बी सी डी का, उसको हम ऐड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे हम क्या करेंगे, सभी जो फिल्टर है हमारा ए बी सी डी, उन सभी का अलग अलग क्या करेंगे, स्क्वायर फीट एरिया निकालेंगे और सभी को ऐड कर देंगे, तो जो टोटल स्क्वायर फीट एरिया हमारा आएगा उसको टोटल एयर फ्लो वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा उस HU यूनिट का CFM वैल्यू आ जाएगा। तो फ्रेंड इस प्रकार आप किसी भी AC यूनिट का CFM वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रेंड आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।